ब्रह्मपुरी पुलिस की कार्रवाई में डीबी पथक ने 9 दोपहिया के साथ आरोपी को हिरासत में लेकर 5,050 रुपए का माल जब्त किया। ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति ने अपने घर से ही दोपहिया चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई। आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। 22 मार्च को डीबी पथक के पुलिस अमलदार, इनके सेक्शन अंतर्गत काम करने वाले पुलिस कर्मी पुलिस स्टेशन परिसर में पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी उन्हें गुप्त जानकारी मिली कि इस मामले में शामिल ब्रह्मपुरी तहसील के रनमोचन निवासी आरोपी ने दोपहिया चोरी कर राजूरा के सोमनाथपुरा निवासी अपने साथी के साथ अपने घर के पीछे स्थित खेत में तनस से ढककर रखी है। इस जानकारी के आधार पर आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई। आरोपी ने दोपहिया चोरी करने की कबूली दी। आरोपी की ओर से कुल 9 दोपहिया जिसकी कीमत तकरीबन 5,050 रुपए है, ऐसा माल जब्त किया गया। आरोपी पर अपराध दर्ज किया गया है और आगे की जांच पुलिस कर रही है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे, अपर पुलिस अधीक्षक प्रशांत खैरे और ब्रह्मपुरी के उपविभागीय पुलिस अधिकारी मिलिंद शिंदे, इनके मार्गदर्शन में ब्रह्मपुरी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक मल्लिकार्जुन इंगड़े, पुलिस उप निरीक्षक सुरेंद्र उपरे, पुलिस हवालदार अरुण पीसे और डीबी पथक के पुलिस अमलदार अमोल गिरटकर, योगेश शिवनकर, संदेश देवगड़े, अजय कटाईत, मुकेश गजबे, विजय मैंद, नरेश कोडापे, शुभांगी शिमले ने की